इमरान खान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राना टेक टीवी पाकिस्तान। मुखलिफ किया गया, लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा का रूस के 58 इदारों और अफराद पर पाबंदियों का ऐलान। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि रूस के हमले की रोशनी में सख्त पाबंदियां आयद कर रहे हैं। रूसी हमला दुनिया की सलामती और अमन के लिए एक बड़ा ख़तरा है। टोरंटो में शदीद बर्फबारी के पेश नज़र खसूसी मौसमी बयान जारी। 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से शहरियों का दौरान ड्राइविंग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी। कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 32,61,911 तक जा पहुँची। हलाकतें 36,254 हो गईं। रूस की यूक्रेन में पेशकदमी। जजीरों पर कब्जा। 13 यूक्रेनी फौजी 137 शहरी हलाक। रूस ने चेर्नोबिल एटमी प्लांट पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन की तस्दीक। अमेरिका का कहना है कि रूस इतवार तक यूक्रेनी दार हुकूमत पर कब्जा कर लेगा। यूक्रेन हमला, रूस के अंदर मज़ाहमत शुरू। हजारों गिरफ्तार। जंग के खिलाफ नारे लगाते रूसी दारुल हुकूमत में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। रूसी सदर से मिसाइल और फौजी हमले फिलफौर रोकने का मुतालबा। रूस यूक्रेन तनाज़े पर अफगानिस्तान भी बोल पड़ा। अफगान वजारत खारजा का कहना था कि अफगानिस्तान यूक्रेन की सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहा है। यूक्रेन के मसले को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तौर पर हल करें। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी। मुतासर अफराद की तादाद 43,23,52,877 तक जा पहुंची, जबकि इस मौजूदा वायरस से अमवात 59,49,673 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए kids or wife ke liye greenish natural health ek tab de inhe din bhar ki energy aur pura din rakhe inko active naturally ek dose se behtar immunity ek dose se fit rahe all day long naturally greenish natural health healthy living for the whole family mazid malumat ke liye visit kare apni qareebi pharmacy ya hamari website www.greenish.com greenish hand sanitizer na oily na sticky na badboo aur mukammal absorption aur haath narm mulayim aur saaf aaj hi apni qareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि रूस के हमले की रोशनी में सख्त पाबंदियां आयद कर रहे हैं। रूसी हमला दुनिया की सलामती और अमन के लिए एक बड़ा ख़तरा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका और बरतानिया के बाद कनाडा ने भी रूस पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कनाडा ने रूस के 58 इदारों और अफराद पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि रूस के हमले की रोशनी में सख्त पाबंदियां आयद कर रहे हैं। रूसी हमला दुनिया की सलामती और अमन के लिए एक बड़ा खतरा है। खबर एजेंसी के मुताबिक कनाडा ने रूसी बरामदात का इजाजतनामा भी मंसूख कर दिया है। इससे कबल रूस यूक्रेन कशीदगी के मामले पर अपने खिताब में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि रूसी बैंक के $250 मिलियन के असासे मुंजमद किए जाएंगे। मास्को की आलमी मार्केट तक रसाई की सलाहियत को हदफ बनाया जाएगा।
अमरीकी सदर का कहना था कि रूस के इन बैंकों पर पाबंदी आयद कर दी है जिनके पास तकरीबन 10 खरब डॉलर के असासे हैं। आज रूस के 4 और बड़े बैंकों को भी ब्लॉक कर रहे हैं। टोरंटो में शदीद बर्फबारी के पेश नज़र खसूसी मौसमी बयान जारी किया गया है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से मुंजमिन बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में शदीद बर्फबारी के पेश नज़र खसूसी मौसमी बयान जारी किया गया है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से मुंजमिद बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। एनवायरमेंट कनाडा ने कहा कि ड्राइवर्स को बर्फानी तूफान के लिए तैयार रहना चाहिए। एजेंसी ने कहा मोटर सवारों को मौसम सरमा में ड्राइविंग के खतरनाक हालात की तवक्को करनी चाहिए और इसके मुताबिक सफरी मनसूबों को एडजस्ट करना चाहिए। खराब मौसमी हालात नकलो हमल में ताखीर का बाइस बन सकते हैं। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि अगले चंद दिनों में दर्जा हरारत सर्द रहने की भी तवक्को है। इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत -15 जबकि ज्यादा से ज्यादा -1 तक जा सकता है। हफ्ते के रोज शहर में धूप निकली रहेगी जबकि दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इतवार के रोज शहर का दर्जा हरारत -15 तक जा सकता है, जबकि इस दौरान बर्फबारी का भी इम्कान है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 9,15,762 है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी देखने में आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 32,61,911 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 36,254 हो गईं। मुल्क भर में 31,09,144 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 10,91,526 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 12,306 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 9,15,762 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 13,903 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मौलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 5,23,104 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 3,883 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 3,46,196 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,831 है। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में बमबारी के बाद रूस के हजारों फौजियों ने कीव का जमीनी मुहासरा कर लिया है। यूक्रेन के चेर्नोबिल एटमी पावर प्लांट पर भी रूसी फौजियों ने कब्जा कर लिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि रूस इतवार तक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मुकम्मल कब्जा करके हुकूमत खत्म कर देगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी के बाद रूस के हजारों फौजियों ने कीव का जमीनी मुहासरा कर लिया है। यूक्रेन के चेर्नोबिल एटमी पावर प्लांट पर भी रूसी फौजियों ने कब्जा कर लिया है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों में 137 शहरियों की हलाकत और 150 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। यूक्रेन के सदर ने दावा किया कि उन्होंने 5 रूसी हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए हैं, जबकि 50 फौजी हलाक और 80 को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए तनहा छोड़ दिया है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि उन्होंने 27 यूरोपीय रहनुमाओं से सवाल किया कि क्या यूक्रेन नेटो में शामिल होगा। डर की वजह से कोई जवाब नहीं देता, लेकिन हम डरने वाले नहीं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के अंदर मुज़ाहमत शुरू हो गई है और जंग के खिलाफ हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के अंदर मुज़ाहमत शुरू हो गई और जंग के खिलाफ हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के बड़े शहरों मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में शहरी सड़कों पर निकल आए और जंग के खिलाफ एहतजाज और सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन में बड़ी तादाद नौजवानों की थी, जिन्होंने जंग नहीं के प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 900 मुजाहिरीन को दारुल हुकूमत मॉस्को से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की गई, नाकामी पर पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए 1700 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ये एहतजाज रूसी सदर की जानिब से यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन के ऐलान के चंद घंटों बाद शुरू हो गए थे। दूसरी जानिब अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में भी यूक्रेन पर
روسی حملے کے خلاف عوام نے صدر پیوٹن کے خلاف احتجاج کیا۔ واشنگٹن، ہوسٹن اور ڈینور سمیت دیگر شہروں میں مظاہرین نے یوکرینی پرچم لہراتے ہوئے روسی سفارت خانے تک احتجاجی ریلی نکالی اور روسی صدر سے میزائل اور فوجی حملے فل فور روکنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق یوکرین پر روسی حملہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بھی یورپی ملک پر سب سے بڑا حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے مسئلے پر امارت اسلامیہ افغانستان کا کہنا ہے کہ فریقین جنگ سے متعلق شدت کے موقف سے گریز کریں، یوکرین میں تمام اسٹیک ہولڈرز برداشت سے کام لیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے مسئلے پہ امارات اسلامیہ افغانستان کا کہنا ہے کہ فریقین جنگ سے متعلق شدت کے موقف سے گریز کریں، یوکرین میں تمام اسٹیک ہولڈرز برداشت سے کام لیں۔ امارات اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان یوکرین کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس صورتحال سے یوکرین میں ممکنہ عوامی نقصانات کے خدشات ہیں۔ یوکرین کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے پرامن طور پر حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ افغان وزارت خارجہ یوکرین میں افغان شہریوں اور طلباء کے تحفظ کا خیال رکھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز یوکرین پر حملہ کرنے والے روس نے دارالحکومت کیو کا محاصرہ کر لیا ہے۔ روسی افواج کیو سے 20 میل کے فاصلے تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 9,69,602 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 43,23,52,877 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 59,49,673 ہو گئی۔ 35,61,55,481 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 9,69,602 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8,04,46,580 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 5,13,258 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 4,28,94,345 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 69 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,991 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 7,42,541 تک جا پہنچی ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔ شاہان، ٹیک ٹی وی پاکستان۔ پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک قوم کا پیسہ نہیں واپس کریں گے۔ ایمن منظور، ٹیک ٹی وی پاکستان۔ اپنے ہاتھ میں رائے میں آپ کو سسپینڈ کر دوں۔ فاروق صدیقی، ٹیک ٹی وی پاکستان۔ احتشام رانا، ٹیک ٹی وی پاکستان۔ وزیر اعظم متعلق کیا گیا، لے کے آئیں گے تحریک عدم اعتماد۔ صاحبہ کہتی ہے میرے پاس ٹیپے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ امجد بلوچ، ٹیک ٹی وی پاکستان۔ کوکب فاروقی، ٹیک ٹی وی پاکستان۔